19 अगस्त 2018 को मैंने ज़ोमेटो से रात को तकरीबन 9 बजे मैंने ऑर्डर किया था। तो उसके अंदर क्या हुआ कि मैंने जो ऑर्डर दिया था वो मेरे हिसाब से नहीं आया था। तो फिर मैंने क्या है कि उसको तो पैसे दे दिए ज़ोमेटो डिलीवरी बॉय को, उसको डिलीवरी बॉय को पैसे देने के बाद में जब मैंने उसको ओपन किया तो वो फूड मेरे हिसाब से नहीं था। तो फिर मैंने कंप्लेन ज़ोमेटो के अंदर करी थी। तो फिर रात को 11:30 बजे मेरे पास ज़ोमेटो दुबई के नाम से ट्रू कॉलर पे फ़ोन आता है कि सर हमने आपकी कंप्लेन देखी, उसके बारे में आप मेरे को है ना फ़ोटो खींच के भेजिए कि आपका जो पार्सल आया है, जो आपका फूड आया है वो कैसा है। तो मैंने कहा कि अब उसके अंदर फ़ोटो के अंदर आप क्या जस्टिफाई कर सकते हो कि मैंने या मैंने मैनिपुलेट कर दिया होगा या सामने वाले ने मैनिपुलेट कर दिया होगा उस चीज़ को। तो ठीक है, वो बोले कि हम आपका पैसा रिमबर्स नहीं कर सकते क्योंकि आपने वो खाना खा चुके हैं, जबकि मैंने वो खाया नहीं था, मैंने वो थ्रो कर दिया था खाना। ठीक है, कोई नहीं, मैंने भूल चुका था। फिर 20 तारीख को मेरे पास फ़ोन आता है कि आप 21 तारीख को मेरे पास फ़ोन आता है, 21 की सुबह मेरे पास फ़ोन आता है कि मेरे साथ क्या हुआ कि 9 बजे मेरा पैसा एक म्यूचुअल फंड का 9 बजे आया मेरे पास 85,000 रुपये। और 5 मिनट बाद के अंदर ही ज़ोमेटो हेल्पलाइन के ट्रू कॉलर पे मैंने देखा तो उनका फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद में उन्होंने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस में ले लिया कि उनको पता था कि ARG सिटी कहाँ है, आपके कितने रुपए, हाँ कि आपके कितने रुपए हैं ज़ोमेटो के अंदर, 380 रुपये आपको लेने हैं उनसे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, हम आपको 380 तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि आधा आपके पास पार्सल आया था तो हम उसको हाफ पे कर देंगे। तो उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी मेरे डेटा की, ज़ोमेटो वाले की, ऐसा लगता है कि वो ज़ोमेटो वाले ही थे, ऐसा पूरा उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था। तो फिर उसके बाद में मैंने बोला कि ठीक है, हम आपका 380 रुपये पूरा का पूरा जमा करा देंगे। तो उन्होंने मेरे को एक लिंक शेयर किया, उस लिंक पे उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये लिंक इस नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिए। वो भी मैंने किया कि आपका ये पैसा क्या है कि वॉलेट में नहीं आएगा, ज़ोमेटो वॉलेट में नहीं आएगा, ये आपके खाते के अंदर आएगा। तो मैंने उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं लगाया और उसके बाद में ठीक है, वो जो वो बोलते रहे मैंने करता रहा। तो जब मैंने वो लिंक फॉरवर्ड किया उनको, तब उसके बाद में मैंने उस लिंक को ओपन करने के बाद में उसके अंदर फुल नेम, मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर और अमाउंट जो मैंने 380 रुपये लिखे थे और UPI पिन लिखा हुआ था, UPI पिन मैंने डालते ही उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप होल्ड करिए। होल्ड करने के बाद में उन्होंने मेरे देखता रहा तो मेरे खाते से 20,000, 20,000, 20,000, 10,000, 10,000 और 5,000 के अमाउंट मेरे खाते से निकल गई। ये कितने का अकाउंट आपका निकाला है, कितने पैसे मेरे 85,000 रुपये मेरे खाते से निकले, मतलब 5 मिनट पहले ही मेरे पास SIP मेरी मैच्योर हुई थी और 5 मिनट बाद में उनका फ़ोन आया और मेरे सारे पैसे आए और गए 85,000 रुपये। मैंने FIR नज़दीकी सिविल लाइन के अंदर मैंने नज़दीकी रिपोर्ट दर्ज कराई है FIR, और बैंक के अंदर भी मैंने अपने अकाउंट लॉक करवा दिया है और जांच पड़ताल चल रही है अभी। मेरा नाम सनी बाकोलिया है, जयपुर का रहने वाला हूँ, अभी अजमेर सिटी के अंदर काम कर रहा हूँ मैं। अभी किस जगह रह रहा हूँ? अभी मैं ARG सिटी अजमेर के अंदर रह रहा हूँ।